नगर में दी कोरोना ने दस्तक। रशिया से आए युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दरअसल युवक दो दिन पहले सुबह 4 बजे पिपलिया पहुंचा था। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि युवक की जांच कर सैंपल रिपोर्ट रतलाम भेजी थी, जहां बुधवार रात्रि आई रिपोर्ट में युवक को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। युवक को मंदसौर से दी विनायक हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया। संपर्क में आए लोगों को सुबह तहसीलदार, पटवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, जहां परिजनों सहित घर लाने वाले ड्राइवर को भी पिपलिया मंडी में क्वारंटाइन किया गया। और तहसीलदार प्रीति भीसे ने बताया कि घर वाले एरिए के कंटेनमेंट जोन बनाया गया, आगामी आदेश तक रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बीएमओ ने बताया कि कुल 13 लोगों सहित 12 परिजन और एक ड्राइवर को क्वारंटाइन किया गया। वहाँ से वीडियोस कर रहा है और वहाँ से आया और थोड़ा सिम्पटम्स थे, तो उसको अपने सैम्पलिंग करवाया, रिपोर्ट कल आई है, पॉजिटिव है। और कंटेनमेंट में भी लोग थे परिवार के, 12 सदस्य, 7 बजे बुलाओ उसको रिपोर्ट लेके आया। ये सभी को हम लोगों ने यहाँ पे जो अपने कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, सभी को क्वारंटाइन किया है। सर उनके क्षेत्र को किस तरह सील किया, हाँ ये उसमें जो कंट्री एरिया जो उसके नियरेस्ट के जो लोग हैं, जहाँ से तो कभी आवाज़ हमने किया है कंटेनमेंट। और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो सर्विलेंस टीम जो है, इसकी सर्विलेंस टीम भी अपने यहाँ पर भेज दी, तो जो सर्वे करेंगे उसके आस पास जो होगा। एक्चुअली क्या कि ये लड़का जो आया वहाँ से ऑलरेडी निवेश कर रहा, उसने सारे लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर रखा था। खाली फर्स्ट कांटेक्ट के लोग ही थे उसके इन्वॉल्व में, सेकंड कांटेक्ट में कोई नहीं है। सर जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो परिवार वाले अभी तक किसी से संपर्क में आए कि तरीके जांच कर रही है? बस बस नहीं, परिवार वाले सभी को अपने क्वारंटाइन, वो अभी तक सर किसी के संपर्क में आए सर को इस लोगों को जाँच करेंगे? नहीं अभी जाँच नहीं हुई, अभी उनको सिम्टम्स नहीं है। जैसे सिम्टम्स अगर आएंगे उस आधार पर आएंगे, तो गाइडलाइन है, ऐसे में गाइडलाइन के तहत 5-10 दिन के बीच में हम लोग लेते हैं सैंपलिंग, 5 दिन बाद उनकी सैंपलिंग हम देंगे। क्या सुनना मतलब क्या पता? मैं डॉक्टर आर के खत्म जीव मंदा।